नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट P-75I के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, प्रोजेक्ट P-75I जिसके अंतर्गत तकरीबन 6 सबमरीन्स बनाए जाने थे और इसके लिए ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाना था। और इस कंपटीशन की लागत तकरीबन 45,000 करोड़ रुपीज की है। और इसमें मुख्यतः वर्ल्ड की 4 ऐसी कंट्रियां थी जो कि अपने डिफेंस सबमरीन के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। और उन कंपनियों में से जो मुख्य कंपनियां थी वो थी स्वीडिश कंपनी साब, वो अपने कोकुम A-26 को लेके इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। वहीं पे फ्रांस का नेवल ग्रुप अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। बात करते हो रशिया की, तो रशिया अपने आमूल 1650 के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। और वहीं पे जर्मनी टाइप 214 के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। और ये सारे सबमरीन कन्वेंशनल पावर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, लेकिन इसको लेके एक मेजर अपडेट ये आ रहा है, जो एक मेन पार्टिसिपेंट था स्वीडिश कंपनी साब, उसने अपनी दावेदारी वापस ले ली है बिडिंग करने से इस कंपटीशन में। और इसके लिए उन्होंने एक रिटर्न लेटर भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और उसमें उन्होंने ऐसा साइट किया है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया था, और उसमें जो टर्म और कंडीशन मेंशन की गई थी, जब उस टर्म और कंडीशन को उन्होंने गौर से पढ़ा तो उसके कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिससे वो अग्री नहीं करते। और उनको ऐसा लगता है कि इन सबमरीन्स के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी है वो उनके हिसाब से अनबैलेंस है। और उनका मानना ऐसा है कि उनकी टेक्नोलॉजी पे उनका ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी कम रहेगी कुछ टर्म और कंडीशन को देखते हुए। और यही रीजन बता रहे हैं कि वो इस बिडिंग प्रोसेस से कंपटीशन से बाहर जाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस कंपटीशन में जो भी फॉरेन कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। वहीं पे इस मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 51% जो स्टेक है वो इंडियन कंपनी का होगा, 49% स्टेक है वो फॉरेन कंपनी का होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जो साब कंपनी है वो अनफेयर बता रही है। और उनका मानना यह है कि जो आप क्वालिटी और जो आप टाइमलाइन दे रहे हो उससे कहीं ना कहीं हम मैट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस उन्होंने दिए हैं इस कंपटीशन से बाहर जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबर है कि जैसे ही साब ने इस कंपटीशन को छोड़ा है, दूसरी तरफ दो और नई कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट P-75I को ज्वाइन किया है, और वो है स्पेन की नेवेंटिया। और ये कंपनी अपने SAAB सबमरीन के साथ इस प्रोजेक्ट P-75I में पार्टिसिपेट करने वाली है। वहीं पे जो दूसरी नई कंपनी है वो है आपकी साउथ कोरियन कंपनी डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, और ये कंपनी अपने दोसान आ चांगदो क्लास सबमरीन के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इन दोनों सबमरीन को देखेंगे कि ये अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोसान आन चांगो क्लास सबमरीन के बारे में। तो ये कोरियन अटैक सबमरीन है, और इसके तकरीबन 27 ऐसे सबमरीन बनाए जाने हैं कोरियन नेवी के लिए, और उनका वो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इस तरह के 27 सबमरीन साउथ कोरिया बनाने वाला है 3 फेजों में। और उसका जो पहला फेज है वो 2016 में उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2020 में इसे लॉन्च किया जाएगा। बात करते हो डिस्प्लेसमेंट की, तो ये सबमरीन तकरीबन 3358 टन डिस्प्लेस करता है सरफेस डिस्प्लेस, और वहीं पे 3705 टन ये सबमर्ज हालत में डिस्प्लेस करता है। तो बात करते हो प्रोपल्शन की, तो इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, इसमें AIP सिस्टम का प्रावधान है जो कि PEM बेस्ड फ्यूल सेल का यूज करता है। और इस तरह के 4 सेल इसमें यूज होते हैं, और ये चारों 150 किलोवाट तक की पावर डिलीवर करने में सक्षम है। और कहने का मतलब ये है कि इसकी एंड्योरेंस तकरीबन 50 डेज की है। बात करते हो स्पीड की, तो स्पीड इसकी सरफेस पे तकरीबन 12 नॉट की है, और सबमर्ज हालत में 20 नॉट की है। रेंज की बात करते हो तो इसकी रेंज 10,000 नॉटिकल माइल की है। बात करते हो कितने मेंबर इसमें आ सकते हैं, तो वो तकरीबन 50 मेंबर ऑफिसर और क्रू के साथ आ सकते हैं इसमें। आर्मामेंट्स की बात करते हो तो इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब दिए गए हैं, और ये तकरीबन 18 टॉर्पीडो कैरी करने में सक्षम है। वहीं पे इसमें 6 और ही वर्टिकली लॉन्च्ड ट्यूब्स दिए गए हैं जो कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों को फायर करने में सक्षम है। तो ये चीज आप एक एडवांटेज के रूप में देख सकते हो कि इसमें वर्टिकली लॉन्च ट्यूब दिए गए हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने में भी सक्षम है। वहीं पे आप दूसरी तरफ बात करते हो SAAB सबमरीन की, जिसे स्पेन के नेवेंटिया ग्रुप ने डेवलप किया है, और इसके तकरीबन 4 सबमरीन स्पेनिश नेवी के लिए अभी प्रोडक्शन में है। वहीं पे इसके कुछ सेलियंट फीचर की बात करते हो तो इसमें मल्टी टारगेट एक्विजिशन को लेके भी कॉम्बैट सिस्टम में वो ऑप्शन दिया गया है, और इसका जो नॉइज सिग्नेचर है और जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है वो बहुत लो है, तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। और वहीं पे ये कंपनी अपने इस सबमरीन को लेके ये दावा करती है इसका जो रडार सिग्नेचर है और इंफ्रा सिग्नेचर है वो बहुत लो है। बात करते हो डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 3200 टन का है, वहीं पे सबमर्ज हालत में तकरीबन 3426 टन का है। और जिस तरह का इसका AIP सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप तकरीबन 35 से लेकर 40 डेज तक अंडर वाटर रहने में सक्षम होंगे। और इसमें 3 बायो इथेनॉल बेस्ड
इंजन का यूज किया गया है, और यह भी एक रीजन हो सकता है कि ये कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, तो इसकी स्पीड तकरीबन 12 नॉट की है जो कि 22 किलोमीटर पर आर की बैठेगी। वहीं पे बात करते हो अंडर वाटर तो वो 19 नॉट की है, 35 किलोमीटर पर आर की बैठेगी। बात करते हो कॉम्प्लीमेंट की तो इसमें 32 पर्सनल्स की आने की जगह है, वहीं पे आप एडिशनल 8 और स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स भी कैरी कर सकते हो। बात करते हो आर्मामेंट्स की तो इसमें 6 ट्यूब्स दिए गए हैं टॉर्पीडो ट्यूब जो कि 530 mm टॉर्पीडो को फायर करने में सक्षम है। तो कुछ इस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं। ये जो दो नए कंपटीटर आए हैं वैसे कुछ खास स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रही है अगर आप कोरियन सबमरीन के बैलिस्टिक लॉन्च कैपेबिलिटी को एलिमिनेट कर देते हो तो। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह होती है कि ये प्रोजेक्ट P-75I कितनी जल्दी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी उनमें से है जिसको दिन प्रतिदिन डिले किया गया है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखो तो सबमरीन का जो सेक्शन है वो भी एक ऐसा मेजर सेक्शन है जहाँ पे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।